अभी ये एक बहुत बड़ा चीज तो आप देख सकते हो मैक्सन कि मिलिट्री बेस खाली रह गया। एग्जैक्टली यहाँ पे मिलिट्री बेस में कोई नहीं गया, यहाँ पे टीम आईएनडी की जो पुरानी लाइन थी वो जाया करती थी, पर ये मिलिट्री बेस पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। अगर यहाँ पे कोई टीम जाती तो उनको काफी अच्छी लूट मिल सकती थी। एंड हम लोगों को किल फीट में देखने को मिला कि मैहम के शैडो ने आई थिंक 8-bit क्लच गॉड को, यस 8-bit क्लच गॉड को यहाँ पर नॉकआउट कर चुका है। जो मैं बोल रहा था कि इधर मैहम का स्क्वाड प्रीमॉक्स पे आने की कोशिश कर रहा था, अभी इधर आके 8-bit के एक बंदे को उन लोगों ने नॉकआउट ऑलरेडी कर चुका है। रोटेशन, अगर ये रोटेशन बोलोगे कि अगर इस जोन के अंदर होता तो भी बोल सकते कि रोटेट करके जा रहा है, सही है। लेकिन इन लोगों को भी आई थिंक महम को पता नहीं होगा कि यहाँ पर स्क्वाड थे, लेकिन इन लोगों ने डायरेक्ट घुसा नहीं, होल्ड करके देखा शायद में पास की कोई है कि नहीं। इधर क्लच गॉड को आई थिंक पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा कि नहीं, नहीं थ्री लोग आ चुका है बचाने के लिए, लेकिन बचा पाएंगे कि नहीं। कि उधर महम जॉन ने एक भी अक्षय को भी नॉक आउट कर चुका है। क्लच गॉड वहां पर फिनिश होते हुए क्लोक के स्प्रे से, शैडो उस साइड हाइड ईस्ट से पीछे से आते हुए थ्री लोग यहां पर बहुत गंदा फंस चुका है। मैक्सटन जी हां बिल्कुल, यहां पे 8 बिट को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। थ्री लोग यहां पे अकेले फंसे हुए, इनके सामने दो प्लेयर दिख रहे हैं, लेफ्ट में एक और प्लेयर है, देखना पड़ेगा थ्री लोग यहां पे किसको बचाते हैं। शैडो को यहां पे स्पॉट किया, लेकिन यहां पे शैडो ने थ्री लोग को नॉकआउट कर दिया है और इसी के साथ सिर्फ सोनिक बचते हैं पूरे 8 बिट के अंदर। यस, थ्री लोग सोचा था कि पीछे से रिट्रीट कर ले, लेकिन ऑलरेडी शैडो पीछे से आ चुका था उस पोजीशन में। एंड यहां पर 8 बिट के दो बंदे क्या तीन बंदे डाउन हो जाएंगे, सिर्फ सोनिक है। पता नहीं सोनिक को स्क्रीन हम लोग मिनी मैप पे देख नहीं पा रहे वो यहां पर है कि नहीं। तो ये 8 बिट के लिए एक बहुत बड़ा झटका पहले मैच मास्टर स्क्रिम्स में, जो करने पहला नॉक पिकअप किया था, दूसरा नॉक भी यहां पर जोकर पिकअप करके पूरा रोटेशन मार चुका है। एंड उधर मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, सिनर्जी के टीममेट जो एक था वो पूरा ब्लीड आउट हो चुका है, इधर पुश आउट हो चुका है 7 सिक्स के ऊपर, पूरा आईएनएस का स्क्वाड जोकर यहां पर डाउन हो सकते हैं, लेकिन वीरू एंगल नहीं मिला, इधर आ चुका है स्मोकी एंड एग्जिस्टेड एंड यहां पर ट्रिगर रिवाइव दे रहा है। एंड उसके पीछे यहां पर कोई स्पॉट ही नहीं खेल पाया था यहां पर एक्सी, एंड एक्सी यहां पर नॉकआउट हो चुका है। स्मोकी यहां पर टूटा होल्ड करके खेलने की कोशिश करता है, स्मोकी एक नॉक पिकअप कर चुका है, पीछे से आते हुए जोकर यहां पर दीक्षा एक गेम प्ले करते हुए एंड ट्रिगर को वहां पर पूरा कंप्लीट कर चुका स्मोकी, वीरू ने यहां पर स्मोकी को नॉकआउट कर चुका है। तो यहां पर जोकर अकेले बचे अपने टीम से, देखते हैं जोकर यहां पर क्या कर सकते हैं। एक गोली से सामने वाला पिज्जा नॉकआउट हो जाएगा, एक नॉक पिकअप कर चुका है, पीछे से कार्टून आ चुका है, थोड़ा लेट आया लेकिन दुरुस्त आया एंड आके अपने टीम को बहुत अच्छा कवर फायर से रिक्शाओं को खत्म करके पूरा 7 सीज को यहां पर डाउन कर चुका है। पहला स्क्वाड यहां पर एलिमिनेट हो चुका है आज के पहला डे में। जी हाँ बिल्कुल, काफी क्लोज करेंगी तो आपको एटलीस्ट बैकअप तो चाहिए ही होगा ना। और यहाँ पे हाइड्रा राइजर फैनेटिक एश के बगल से जाते हुए स्प्रे मारा राइजर के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं कर पाए और राइजर आ चुके एश के पास, डैमेज दिया एश को और राइजर पुश करना चाहेंगे, एश यहाँ पे प्री फायर देते हुए वेक्टर का, लेकिन एश के ऊपर रश कर दिया गया और एश ने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया राइजर को और फिनिश करना चाहेंगे। काफी अलग टाइप का ये रश था लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था। सेंटर में हमारे इनसेन और ओआरबी के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है, अभी यहाँ पे टेम्पेस्ट को यहाँ पे फायर देते हुए स्काई नॉकआउट पड़े और यहाँ पे और भी काश रश करते हुए टेम्पेस के ऊपर रश किया, टेम्पेस खिड़की के बाहर, देखना पड़ेगा क्या करते हैं। ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये नॉकआउट पे नॉकआउट किए जा रहे हैं, टेम्पेस को यहाँ पे नॉकआउट किया गया, लेजेंड को स्पॉट किया लेकिन नहीं कर पाए, अब देखना पड़ेगा यहाँ पे काश क्या कर पाते हैं। यस, इन सेंस सिर्फ लेजेंड बचे हैं, वो पीछे के रीच पे लेटे हुए हैं एंड यहाँ पर अपनी टीम को तो बचाना बहुत मुश्किल है। उधर गिल ने नॉकआउट कर चुका है एक नेट से 0 डिग्री के सूर्या को, उधर हाइड्रा के गॉड जायरो गॉड वहां पर रोटेशन दे रही है, वो आरबी ने बहुत अच्छा होल्ड किया इनसेन का पुश को एंड बैक टू बैक दो तीन नॉक पिकअप कर चुके हैं। ईटीजी ब्रॉलर्स के पास उधर जायरो गॉड रोटेशन देगा और उसके ऊपर 18-20 एंड हाइड्रा इधर एलिमिनेट हो चुके हैं। मैक्सटन जी हां बिल्कुल, यहां पे यश अभी भी काफी खराब सिचुएशन में, ओआरबी के फाइनल बॉस शायद लेजेंड को स्पॉट कर चुका है, अगर ये नीड लगता है लेजेंड को तो लेजेंड यहां पे फिनिश हो सकते हैं, देखना ये पड़ेगा क्या होता है कि नहीं। यस, एंड उधर बैक टू बैक और स्क्वाड डाउन होते जा रहे हैं, 12 स्क्वाड पे हम लोग आ चुके हैं, ऑलरेडी 4 स्क्वाड एलिमिनेट कर चुके हैं, फाइनल बॉस ने यहां से नॉकआउट कर चुका है जोकर को, इंसेंस स्काई को उधर फिनिश करते हुए मैच कैश। तो 11 स्क्वाड पे आ चुके गाइस, टीएम का स्क्वाड से किलचोर वहां पर ब्लीड आउट हो चुके हैं एंड यहां पर फाइनल बॉस हेडशॉट लेने को थोड़ा लेट हो चुके हैं, एंड नहीं तो वो हेडशॉट लग जाता, डार्क के ऊपर फिर से हेडशॉट लग सकता है, डैमेज पड़ा अच्छा खासा लेकिन बच गया ईटीजी। टॉप 5 स्क्वाड राइट नाउ ईटीजी ब्रॉलर डार्क ने अपने आप को नेट से क्लियर आउट करते हुए इस पोजीशन में बहुत खराब हुआ उन लोगों के लिए। इधर गॉडलाइक का स्क्वाड बहुत ही प्यारा होल्ड करके बैठा है मेंशन के सेंटर पे, उधर एक्सी फिनिश अप होते हुए, तो वी आर डाउन टू टॉप 5 स्क्वाड राइट नाउ, 16 पीपल आर स्टिल अलाइव। गिल यहां पर पूरा बूस्ट अप करेंगे, इसका गियर्स दो हुए तो लेवल 3 एंड हेलमेट एंड वेस्ट अभी भी पूरा सही हालत पे है। किकी ने उधर परितोष को नॉक, गिल ने उधर स्लेयर को नॉक, गॉडलाइक का नाइन अप भी यहां पर बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे सारे इसके सारे स्क्वाड को, लेकिन किल कंफर्म नहीं कर पा रहे मैक्स। गॉडलाइक एक ही स्क्वाड है जो सेंटर ऑफ द जोन थे, रिमेनिंग हर एक स्क्वाड जोन के बाहर है। गिल ने उधर ट्रांस क्रेटोस को पिकअप किया एंड दो स्क्वाड बैक टू बैक एलिमिनेट हो चुके, एक आईएनडी गया एंड दूसरा कौन सा स्क्वाड गया वो हमको देखना मिल गया, आईएनएस कार्टून भी इधर डाउन। तो इधर आ चुका है गॉडलाइक, ओआरबी एंड फिनेटिक, टॉप 3 स्क्वाड ऑफ मास्टर स्क्रिम्स डे 1 का पहला मैच में।
अब मुझे लगता है कैरी का फ्री फायर यहाँ पर को नॉकआउट कर सकता है, लेकिन नहीं, कैरी को एक एचपी का छोड़ा गया और इसी के साथ साथ फनेटिक की टीम जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगी। यस एंड आते आते यश ने उधर से रौनक को पिकअप एंड मैक्स ने उधर परितोष को पिकअप एंड फाइनल बॉस ने परितोष को पूरा खत्म कर चुका है। ऐसा उधर बचा है फनेटिक का स्क्वाड डाउन, गॉडलाइक के लिए इजी चिकन हो सकता है कि गॉडलाइक यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे पोजिशन पे है। ओ आरबी ने दो बंदे को वहां पर खो चुका है, तो इधर 4v4 फाइट जो था वो ऑलरेडी 4v2 सिचुएशन पे हो चुका है क्योंकि ओ आरबी के दो बंदे जोन के बाहर ही ब्लीड आउट हो जाएंगे। एक बहुत ही बढ़िया खेला, बहुत ही सही रोटेशन दिया।